नमस्कार मित्रों, सुक्ता बांध मुख्य मार्ग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर से आने वालों को दाहिनी तरफ व दक्षिण से आने वालों को बाहिनी तरफ मुड़ना पड़ेगा। यह देखिए बांध का सामने का हिस्सा। बांध सुक्ता नदी पर बनाया गया है। हरियाली की बात करें तो अभी बरसाती हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे सरकार ही लगवाए, पर्यटक व यहाँ के रहवासी भी लगा सकते हैं। यह देखिए जल का भंडार काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे टापू भी है, बस कमी है तो टापुओं पर वृक्षों की। वृक्ष होते तो और भी आकर्षक लगते। काफ़ी दूर तक फैला हुआ जल आकर्षण का केंद्र लग रहा है। सुक्ता बांध भगवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध को भगवंत सागर परियोजना का नाम दिया गया है। यह बांध पंधाना तहसील जिला खंडवा के अंतर्गत आता है। इंदौर से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 153 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पर एक मंदिर भी है। यह हनुमान जी का मंदिर है। सुक्ता बांध बुरहानपुर व खंडवा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के पीछे का दृश्य संकीर्ण पुलिया की तरह दिख रहा है, लेकिन यह एक बांध है। पर्यटकों को अपने साथ कुछ मात्रा में बीज भी रखना चाहिए, ऐसे स्थानों पर काम आते हैं। बांध व सुक्ता नदी का दृश्य मंदिर के पीछे से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक वातावरण। यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की कच्ची सड़क का सामना करना पड़ता है। मार्ग में छोटे छोटे गांव आते हैं और एक बड़ा गांव दिखाई देता है, बस उसी के समीप यह बांध स्थित है। गांव में नाश्ता मिल जाता है।